तो ये देखो। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने एक नए ब्लॉग में और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा अब शुरू हो रहा है। तो मॉर्निंग का टाइम हो गया है, 9:30 हो चुके हैं। हॉस्पिटल में अपने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखो बाहर का ये सिस्टम यहाँ से इस तरीके का दिखता है। और उस पार्क में चलते हैं नीचे और घूम कर आते हैं थोड़ा सा। ये चारों तरफ इसकी बिल्डिंग है हॉस्पिटल के, ये देखो सामने कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ये पार्क है नीचे, इस पार्क में चलते हैं, भी थोड़ा सा घूम के आते हैं। बाकी आज चिराग के मामा आ रहे हैं, माई वगैरह आ रहे हैं, तो देखते हैं। अब चिराग को आराम भी है, शायद आज या कल में छुट्टी भी हो जाएगी, फिर अपने घर चला जाएगा। डुग्गू अपने घर पर है आराम से, तो अभी हम बाहर चलते हैं। चिराग सो रहा अपने। तो ये भाई अखबार दे गए पढ़ने के लिए, हिंदुस्तान हिंदी। इसमें तो दशहरे वगैरह की चीज़ आई होंगी, क्योंकि आज दशहरा है, 24 अक्टूबर है आज। ये ब्लॉग भी एक आध दिन में हो सकता है कल लिया जाए, मैं कोशिश तो यही करूँगा। मतलब अपनी तरफ से कोशिश तो ये रहेगी कि ये जो ब्लॉग है अपना कल तक रिलीज हो जाए। आज शाम को रात को बैठ के एडिट वगैरह कर दूँगा, अपलोड मार दूँगा, तो सुबह रिलीज हो जाएगा अपने टाइम से। सुबह 11 बजे अपने ब्लॉग आया करेंगे, जब भी आया करेंगे, डेली आया कितने दिन भी बात बात आए। लेकिन अपने अभी तक मतलब डेली नहीं आएगा, वीकली आएगा, मंथ में 2-3 ब्लॉग आएंगे। लेकिन आगे चलकर हम फ्यूचर में डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, अपने टाइम एक टाइम फिक्स कर देंगे। कमेंट बॉक्स में एक आपकी एक राय लेंगे, जिस टाइम आप बताओगे उसी टाइम को एक टाइम फिक्स कर देंगे, उस टाइम डेली ब्लॉगिंग अपलोड हो जाया करेगा, ठीक है। मतलब आपको देखने को मिला करेगा डेली ब्लॉग, न्यू ब्लॉग। तो न्यूज़ पेपर वगैरह पढ़ते हैं और फिर थोड़ा बाहर निकलते हैं, बाहर ही चलते हैं, न्यूज़ पेपर तो आकर पढ़ लेंगे अपने। ये मंदिर के बाहर भगवान जी की फोटो है। जैसे बाहर निकलते हैं, सामने मंदिर है, मंदिर में अपना माथा वगैरह टेक लो भगवान जी से, सो इसे अच्छा रहता है। हॉस्पिटल के जैसे बाहर राम जी और राधे राधे और सीता, मतलब 3-4 भगवानों की मूर्ति लगी हुई है, काफ़ी अच्छी फीलिंग सी आती है अंदर से। मैं अपनी देखने आया हूँ यहाँ पर, बाइक स्कूटी अपने ले गया, बट खड़ी है यहाँ पर अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये खड़ी अपने देखो स्कूटी, और यहाँ भैया के पास चाय पियेंगे। देखो एक चाय की दुकान है, बहुत ही प्यारी चाय बनाते हैं। तो दोस्तों अपने साथ एक खेल हो गया, अभी मैं ये पार्क में जा रहा था, तो वो जो वायर नहीं होते, तार जो लगे होते हैं चारों तरफ से, तो उसके अंदर होकर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो पैर में लग गया और मेरा लोअर ही फट गया। देखो दिखाऊं, ये वाले जो तार हैं इसमें होकर निकलने की कोशिश कर रहा था मैं, तो देखो ये चोट लग गई तुम्हारे भाई को। तो ये देखो चिराग के माई इसको भेंट दे रही है हॉस्पिटल, ये माओ खड़े हैं। ए बंदे हो उधर जब धर रहे हो मेरे से पहले ही पैसे है तू मामा पैदल है। अरे नहीं, अरे समझे तक रहो, अरे हाँ सही है। मम्मी इधर बैठा बराबर खड़ी लेने के लिए पैसे वापस और देख सही हो गए फिर आएगा बेटा, ठीक है छोटे ना मैं आएगा। हाँ ठीक है चले, पास दे चले चलो 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 गई। तो गाइज आज का जो दिन था हमारा सारा फिनिश हो चुका है, शाम के बज रहे हैं 7:30 हो चुके हैं इवनिंग के। अभी मैं खाना वाना खा के और थोड़ी मूवी वगैरह देखूंगा, फिर अपने ब्लॉग वगैरह को एडिट करके रात को अपलोडिंग पे लगा दूंगा, तो कल मॉर्निंग में आपको ये देखने को मिल जाएगा। कल है दिन वेडनेसडे और डेट है 25, आज है 24 तारीख, दशहरा का दिन है। हम है ना थोड़ा सा दशहरा जा नहीं पाएगी, हमारा ना चिराग एडमिट है, तो मैं आपको ना हम जबकि हमारे हॉस्पिटल के बाहर ही दशहरा मनाया जा रहा है, जो मेला वगैरह लगा हुआ है, तो मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ जितना दिख सकता है इसे। देखो
चिराग का खाना आया, एक तो करेले हैं, इसमें दाल है, दाल तो बढ़िया है, जरा खा लेगा करेले? खा लेगा? नहीं, थोड़ा भी नहीं खा पाएगा? नहीं। मेरे भी करेले आएंगे फिर मुझे लग रहा है। ये क्या है? हलवा। हलवा है, ये भी खा लेना ठीक है। हलवा तो बढ़िया होता है। और गाइस आज मेरे चोट लगी पैर में, मैं गया था पार्क में घूमने और तार ऊपर गिर गया। तार नहीं होता जो साइड में बाउंड्री वगैरह होती है, जिससे कोई आए ना बाहर का, लो उस पर जाके गिर गया मैं, तो मेरा लोअर भी फट गया और चोट भी लग गई। चावल खाना है? नहीं। चावल खा? चलो तो भाई शुरू करो। चलो भाई चिराग, तो फिर मैं खाना खिलाऊं? आ जाओ भाई सारे। चिराग ने खा लिया था, देखो आज मेरे चोट लगी है कितनी ज्यादा। अब मैं भी अपना खोल के देखूं इसके अंदर क्या है। अच्छा दो तीनों ने बाहर ही रखी है, अंदर नहीं रखी चिराग। लाल पानी किधर है लड्डू? इसमें है क्या? हाँ। अच्छा ये रहा, पाइप कहाँ है इसके? दोस्तों ये लोग देख रहे हैं जो दशहरा का मेला था रावण जहाँ से घुटा था, वहाँ से ये अपने वो लेकर आए हैं। भोपा नहीं होते हैं भोपा, तो किसी तरह रोड पर इनकी ही आवाज़ आ रही है, इसके अलावा किसी और की थर्ड पार्टी की किसी आवाज़ नहीं आ रही ना, सेकंड पार्टी की सिर्फ इन्हीं की आ रही है। सभी के मुंह में भोंपा लगा हुआ, तो भों भों करते हुए आ रहे हैं। तो गाइज इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। आई होप यू कि आपको हमारा जो आज का ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। तो ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, जय श्री राम।